मध्य प्रदेश में जल संकट से हालत भयावह हो चुके हैं। करीब 120 शहरों में लोगों को मुश्किल से पानी मिल पा रहा है। चिंता की बात यह है कि सामान्य बारिश के बावजूद नदी तालाब या तो सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं। सरकार टैंकरों से पानी पहुंचाने का दावा तो कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर टैंकरों से पानी की पूर्ति कब तक हो पाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भीषण जल संकट, 83 नदी तालाब कुएं सूखे, 120 शहरों में पीने के पानी का संकट, पानी के लिए मच रहा हाहाकार। कौन है इस जल संकट के लिए जिम्मेदार? गर्मी की तपिश के बीच प्रदेश में जल संकट भी गहराने लगा है। प्रदेश के 83 जलाशय सूख चुके हैं, 32 में अभी 10 से 25 फीसदी पानी ही बचा है। मानसून में देरी से खेती किसानी और विद्युत उत्पादन पर गंभीर असर हो रहा है। फिलहाल प्रदेश के 378 में से 120 शहर पानी के संकट से गुजर रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, कहीं जान हथेली पर लेकर सूखे कुएं और बावड़ी में उतरना पड़ता है, तो कहीं गड्ढे खोदकर गंदा मटमैला पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश में हर साल औसतन बारिश हो रही है, यानी ऐसा नहीं है कि कम बारिश की वजह से ऐसे हालात बने हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्याप्त वर्षा के बावजूद आज हम जल संकट के मुहाने पर खड़े हैं, तो ऐसे में ये चिंता होना लाजमी है कि फिर भी सरकार और प्रशासन लोगों की प्यास क्यों नहीं बुझा पा रहे हैं। दरअसल अभी भी वाटर मैनेजमेंट पर ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है। पानी की बर्बादी के लिए आम लोग भी कम जिम्मेदार नहीं, जो भरपूर पानी मिलने से उसकी कीमत नहीं समझते। इसके अलावा तालाबों पर अतिक्रमण होने और उनका गहरीकरण न होने से वर्षा का जल संचित नहीं हो पा रहा है। ट्यूबवेल की वजह से भूजल स्तर काफी नीचे पहुँच चुका है, लेकिन लोग वाटर हार्वेस्टिंग का महत्व नहीं समझ रहे। फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी धड़ल्ले से नदियों में छोड़ा जा रहा है। कुएं और बावड़ी की उपेक्षा से भी जल संकट के ये हाल बने। सरकार से ज्यादा हम आम लोग जिम्मेदार हैं, जो पानी खरीद कर पीना मंजूर करते हैं, लेकिन जल बचाने की दिशा में शायद ही कोई कदम उठाते हैं। पेड़ों की लगातार कटाई से भी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ी है। प्रदेश में भूजल के हालात, 83.25 फीसदी का भूजल स्तर गिर चुका है। 500 से 1000 फीट तक कराना पड़ रहा बोरवेल, 100 से ज्यादा हैंडपंप हर भूजल स्तर गिरने से बंद हो जाते हैं। 27 से ज्यादा जिले भूजल स्तर गिरने से बेहद खराब स्थिति में। खैर, इसमें सरकार भी बराबर की दोषी है। लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए अब राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार कानून लाने की बात शुरू हुई है, लेकिन इसमें कितना वक्त लग जाएगा ये पता नहीं। कानून बन भी गया तब भी हर शख्स को रोज 55 लीटर पानी देना आसान नहीं होगा, क्योंकि यही सरकारें नल जल योजना शुरू करती हैं, जिनमें टंकी बनाने पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन टंकी तक पानी नहीं पहुंचता। नलों की पाइपलाइन बिछ जाती है, लेकिन घर तक पानी नहीं आता। योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और लोग प्यासे रह जाते हैं। खैर, कमियां और दोष निकलते जाएंगे, लेकिन जरूरत है समाधान की। जैसे पत्रिका समूह का अमृतम जलम अभियान, जिसके जरिए नदी नालाब कुएं बावड़ी की सफाई के लिए हम अभियान चला रहे हैं, ताकि इन जल स्रोतों का पुनरुद्धार हो। आम लोग इस अभियान से जुड़ते हैं और जल बचाने के लिए लोगों को भी जागरूक करते हैं। अगर लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो आने वाले वक्त में हालात और भयावह हो जाएंगे, क्योंकि दशकों पहले ये बात कही जा चुकी है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।